हेलो वन आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कोई भी आपको एल्गोरिथम गिवन है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे तो एल्गोरिथम uh, जो होता है वो दो तरह का होता है एक होता है आइट्रेटिव एल्गोरिथम दूसरा होता है एल्गोरिथम तो अभी जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो आइट्रेटिव एल्गोरिथम उसके बाद फिर हम लोग जब आइट्रेटिव एल्गोरिथम को डिस्कस कर लेंगे कम्प्लीटली देन हम लोग डिस्कस करेंगे एल्गोरिथम तो आइट्रेटिव एल्गोरिथम एग्जैक्टली होगा क्या कि इसमें हम क्या एनालाइज करेंगे बेसिकली आइट्रेटिव एल्गोरिथम में मेजोरिटी ऑफ द केसेस हम लूप को एनालाइज करते हैं ओके फॉर लूप वाई लूप डू वाई लूप ये सारी चीज़ें एनालाइज करते हैं तो अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि आ, किस तरीके से आ, किसी भी एक पर्टिकुलर आपको एक पीस ऑफ कोड गिवन है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं ओके सो अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली प्रॉब्लम है इसको पहले डिस्कस करते हैं वन बाय वन चारों को डिस्कस करेंगे फॉर आई इक्वल टू वन आई इज लेस देन और इक्वल टू एन आई प्लस प्लस प्रिंट हैलो ओके अब इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोर्ट की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी यहाँ इनिशलाइजेशन कितनी बार होगा वन टाइम कंडीशन चेकिंग कितनी बार होगी एन प्लस वन टाइम ओके क्योंकि यहाँ क्या हो कंडीशन एन प्लस वन टाइम क्यों चेक होगी क्योंकि एन बार तो ये ट्रू हो रहा है आई की वैल्यू वन टू थ्री जो भी एन की वैल्यू हम इनिशलाइज लेंगे एज अ इनपुट उसके करस्पॉन्डिंग इक्वल टू एन है तो एन टाइम्स ट्रू होगा बट एक बार और चेक करेंगे जब वो कंडीशन फॉल्स होगी तो एन प्लस वन टाइम्स ओके और आपका इंक्रीमेंटेशन कितनी बार होगा एन टाइम्स तो अगर इन सबको सम करेंगे तो वन प्लस एन प्लस वन प्लस एन विच इज इक्वल टू टू एन प्लस टू ये लूप में जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो कितना आ रहा है टू एन प्लस टू और प्रिंटअप हेलो हेलो कितनी बार प्रिंट होगा जितनी बार ये कंडीशन आपकी ट्रू यानी लूप जितने कंडीशन जो लिखी है वो जितनी बार ट्रू होगा प्रिंट प्रिंटअप उतनी बार एग्जीक्यूट होगा उतनी बार प्रिंट होगा तो वो क्या आ रहा है आपका एन टाइम्स इनका सम कर लेंगे तो टू एन प्लस टू प्लस एन क्या हो जाएगा टू एन प्लस एन प्लस टू विच इज इक्वल्स टू थ्री एन प्लस टू विच इज नथिंग बट बिग ओ ऑफ एन ओके तो इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी बिग ओ ऑफ एन यह हमने वन यूनिट ऑफ टाइम लिया हुआ है तो इसलिए टू एन प्लस टू प्लस एड करेंगे तो एट द एंड रिजल्ट आएगा ये अगर हम डायरेक्टली इसको लिख दें कि ये आपका लूप एन टाइम्स चल रहा है तो भी हमारे रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा एंड टाइम्स ये चलेगा एन टाइम्स एन प्लस एन विच इज इक्वल्स टू टू एन विच इज नथिंग बट बिगो ऑफ एन बट ये पहली प्रॉब्लम इसलिए इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं बट नेक्स्ट जितनी भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे अगर कहीं भी फॉर आई इक्वल टू वन टू एन लिखा हुआ तो उसको हम एन टाइम्स एज्यूम करके चलेंगे वैसे रिजल्ट कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा अब इसी कोड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ क्या था आपका जो लूप uh, वेरिएबल है वो क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है बट ऐसा भी कर सकते हैं लूप वेरिएबल आपका डिक्रीमेंट हो तो उसके लिए कोड हो जाएगा क्या हो जाएगा एन से स्टार्ट करेंगे और वन तक जाएंगे तो ये लूप कितनी बार चलेगा डायरेक्टली अगर इसको लिखें तो एन टाइम्स ओके और ये आपकी कंडीशन जितनी बार ट्रू होगी उतनी बार चलेगा ये क्या हो जाएगा आपका एन टाइम्स तो एन प्लस एन विच इज इक्वल्स टू टू एन विच इज नो ऑफ एन तो चाहे ये आपका प, uh, कोड लिखा हो या ये कोड लिखा हो दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी सेम ही आएगी अब इधर देखते हैं यहाँ के फोर आई टू वन आई इज लेस देन और इक्वल टू आई प्लस टू यहां, यहां इंक्रीमेंटेशन क्या हो रहा था वन वन इंक्रीमेंट हो रहा है यहां इंक्रीमेंट क्या हो रहा है two. अगर इनिशियल वैल्यू i की वैल्यू वन है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री देन नेक्स्ट वैल्यू फाइव देन सेवन एंड सो ऑन इस तरीके से आएगा तो ये लूप कितनी बार चलेगा एन टाइम्स नहीं कितनी बार चलेगा क्योंकि ऑल्टरनेट ऑर्डर पर चल रहा है तो ये लूप जो चलेगा वो आपका एन बाई टू टाइम्स चलेगा क्योंकि एक एक एलिमेंट को हम स्किप कर रहे हैं तो प्रिंट प्रिंटअप भी एन बाई टू टाइम्स चलेगा तो एन बाई टू प्लस एन बाई टू विच इज इक्वल्स टू बिगो ऑफ एन तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की आ रही है आपकी ऑर्डर ऑफ एन क्योंकि ये लूप कितनी बार चलेगा एन बाई टू टाइम्स अब इसको देखेंगे इसी को इसी तरीके जैसे यहाँ हमने इसको इंक्रीमेंट uh, से डिक्रीमेंट लिखा था ये भी आपका क्या डिक्रीमेंट तो फॉर आई इज इक्वल्स टू वन आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन आई इक्वल टू आई माइनस टू तो अब क्या यहाँ हम वन से आगे बढ़ रहा है यहां एन से वन की तरफ जा रहे हैं तो ये भी लूप कितनी बार चलेगा आपका एन बाई टू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी ऑर्डर ऑफ तो चारों जो आपका पीस ऑफ कोड लिखा हुआ इन सब की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी एड दिन बिगो ऑफ एन यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भी आपका है यहाँ पे लूप का वेरिएबल वो क्या है आई तो अगर लूप का वेरिएबल आई इक्वल टू आई प्लस सम कांस्टेंट या आई माइनस यानी प्लस हो या माइनस हो अगर इस तरीके से लूप इंक्रीमेंट हो रहा है फॉर आई इक्वल टू वन टू एन और आई इक्वल टू आई प्लस के और आई इक्वल टू आई माइनस के तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा क्या आएगी ऑर्डर ऑफ एन तो अगर के के वैल्यू सपोज दैट टू थी तो एन बाई टू टाइम्स अगर के के वैल्यू थ्री ले लेंगे ले 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 तो लूप कितनी बार चलेगा एन बाई थ्री टाइम्स अगर के के वैल्यू फोर ले लेंगे ले 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 तो एन बाई फोर टाइम्स एंड सो ऑन ठीक है लेकिन यहाँ रिस्ट्रिक्शन ये कि के जो है मुझे कॉन्स्टेंट रहेगा तो i इक्वल टू आई प्लस के हो या i इक्वल टू आई माइनस के हो तो प्लस के लिए क्या होगा आपका जो इनिशियल वैल्यू वन से यानी इंक्रीमेंट होती जाएगी और माइनस के लिए क्या है डिक्रीमेंट होते जाएंगे तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा आपके जो लूप का वेरिएबल है वो क्या है यहाँ i इक्वल टू आई प्लस वन काइंड ऑफ था यहाँ i इक्वल टू आई प्लस टू अगर i प्लस थ्री आई प्लस फोर है तो वो सारा कुछ क्या होगा इसी के अकॉर्डिंगली आएगा तो ये चारों जो प्रॉब्लम थी उसे करस्पॉन्डिंग ये सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सारे प्रोग्राम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है वो क्या आ रही है आपकी ऑर्डर ऑफ एंड टाइम ओके सो कुछ प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है फॉर आई इक्वल टू वन आई इज लेस देन इक्वल टू हंड्रेड आई प्लस प्लस प्रिंट ऑफ हेलो अब इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड की अगर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें बस ये देखना है अगर कहीं लूप प्रेजेंट है इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि हाँ वन टू एन लिखा हुआ तो हमने कह दिया ऑर्डर ऑफ एन टाइम बट हमें केयरफुली चेक करना होगा कि ये लूप कितनी बार जो है एग्जीक्यूट होगा तो वन टू थ्री फोर फाइव से टिल हंड्रेड हंड्रेड के बाद जैसे ही आपका one, होगा ये स्टॉप कर जाएगा Means, ये आपका लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा हंड्रेड टाइम्स राइट और प्रिंट ऑफ स्टेटमेंट कितनी बार होगा हंड्रेड टाइम्स हंड्रेड प्लस हंड्रेड विचे इज क्वेश्चन टू हंड्रेड टू हंड कॉन्टेंट वैल्यू तो कॉन्स्टेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्डर ऑफ वन टाइम तो इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो क्या हो जाएगी बिगो ऑफ वन ओके तो अगर कहीं लूप आपको गिवन है तो बहुत ही केयरफुली हमें लूप को एनालाइज करना क्योंकि एटरेटिवल में मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करेंगे लूप को एनालाइज करेंगे बस ये चेक करना है कि कौन सा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा उसी के अकॉर्डिंगली हम इक्वेशन लिखेंगे और एट दी इंड पलसा होगा वो एंड टाइम चल रहा है या कॉन्स्टेंट टाइम तो कोई भी लूप अगर आपको फॉर लूप गिवन है वो अगर कॉन्स्टेंट टाइम एटरेट हो रहा है तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी बिगो ऑफ वन अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देखते हैं फॉर आई कोल टू एन तो यहाँ एन दिख गया तो एन आई इज लेस दिन देखेंगे केयरफुली की यह लुप कितनी बार चल रहा है आई की वैल्यू एन है और कंडीशन ट्रू हुई प्रिंटअप आए फिर दोबारा इंक्रीमेंट हुआ आई की वैल्यू एन प्लस वन तो क्या हो जाएगा ये आपका फॉल्स हो जाएगा मीन्स ये लूप कितनी बार चल रहा है ओनली वन टाइम राइट आई कोल तो पहली बार तो कंडीशन ट्रू की सेकेंड टाइम में क्या हो जाएगा? False हो जाएगा तो ये लूप वन टाइम चलेगा और ये प्रिंटअप स्टेटमेंट वन विच इज़ इक्वल्स टू टू टाइम्स विच इज नथिंग बट अगर कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बिगो ऑफ वन ओमेगा या थीटो ऑफ वन किसी भी नोटेशन uh, से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो लूप कहीं है इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि वो ऑर्डर ऑफ एन टाइम वो हमें देखना पड़ेगा कि उसकी कंडीशन क्या है ओके अब आते हैं थर्ड ये आपको एक पीस ऑफ कोड दिया हुआ और ये पूछ रहा है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी यानी स्वैप फंक्शन दो नंबर को स्वैप करने का ये सिंपल सा कोड है और ये हमें एनालाइज करना है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या यहाँ कहीं लूप है नहीं अगर कोई भी एक पर्टिकुलर आइटरेटिव एल्गोरिथम आपको गिवन है उसमें कहीं कोई लूप प्रेजेंट नहीं है तो सिंपल वे में उसको क्या कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ वन अगर कहीं लूप प्रेजेंट है तो वो लूप चेक करेंगे कि वो कितनी बार चल रहा है अगर वो कांस्टेंट टाइम चल रहा है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन हो जाएगी ये सिंपली फंक्शन है यहाँ क्या आपका दो वेरिएबल है एक्स और वाई तो यहाँ एक स्टेटमेंट क्या हो रहा है आपका असाइनमेंट वन यूनिट ऑफ टाइम यहाँ भी क्या हो रहा है असाइनमेंट वन यूनिट ऑफ टाइम और ये भी एक असाइनमेंट वन इंट वन प्लस वन प्लस वन विचे गोस टू थ्री थ्री यूनिट ऑफ टाइम इसमें लग रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्डर ऑफ वन टाइम से तो ये तीन एग्जाम्पल थे कि कैसे हम ऑर्डर ऑफ वन टाइम कैलकुलेट करेंगे किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओके सो बिग प्रॉब्लम और डिस्कस करते हैं यहाँ के आपको फॉर आई इक्वल टू वन आई इज लेस देन एन आई इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई टू है ओके और यहाँ के फॉर आई इक्वल टू एन आई इज ग्रेटर देन एन आई इक्वल टू आई बाई टू तो अभी हम लोगों ने जो रिसेंटली डिस्कस किया है वो क्या था आपका i इक्वल टू आई प्लस टू तो उसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही थी बिगो ऑफ n या i इक्वल टू आई माइनस टू तो दोनों की बिगो ऑफ n आ रही थी अब इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देखते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है जो भी आपका लूप वेरिएबल है उसमें हर एक हाइड्रेशन में टू से मल्टीप्लाई हो रहा है फॉर एग्जाम्पल इनिशियली आई की वैल्यू क्या है आई विच इज इक्वल्स टू वन ओके नेक्स्ट आई इज लेस देन लेस देन एन आई इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड टाइम क्या हो रहा है आई की वैल्यू टू हो जा रही है okay? ओके

तो इनिशियली अगर आई की वैल्यू वन है तो उसमें टू मल्टीप्लाई होगी नेक्स्ट आई की वैल्यू हो रही है प्रीवियस वैल्यू आई है तो नेक्स्ट टू मल्टीप्लाइड प्रीवियस वैल्यू फोर है तो नेक्स्ट मल्टीप्लाइड एंड सोन इस तरीके से आ रहा है कब जाके ये स्टॉप होगा जब i की वैल्यू n के इक्वल हो जाएगी तो क्या i कितनी बार चल रहा है अगर इसको केयरफुली देखेगा तो क्या i n टाइम्स चल रहा है नहीं इसको अगर काउंट करें 32, तो ये कितनी बार यानी i की वैल्यू अगर 32 हुई है तो प्रीवियसली जो हम लोगों ने वन वन इंक्रीमेंट किया था तो वहाँ क्या होता है ये थर्टी टू टाइम्स चलता है लेकिन यहाँ कितने चला वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टाइम्स ओनली ओके और प्रीवियसली आई की वैल्यू वन है तो वन टू थ्री फोर फाइव इस तरीके से यानी टोटल थर्टी टू टाइम्स नहीं चल रहा है यहाँ कुछ दूसरे तरीके का पैटर्न बन रहा है तो देखते हैं क्या एक्जैक्टली इस पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड या इस पर्टिकुलर आइट्रेशन के अकॉर्डिंग क्या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है तो सपोज़ अगर हमने आई एन की वैल्यू थर्टी टू ले ली ओके अगर आई की वैल्यू हमने थर्टी टू ले ली तो क्या आ रहा है आई की वैल्यू वन वन यानी इसकी वैल्यू हमने लिए थर्टी टू ओके okay? ये लूप एंड टाइम्स नहीं चल रहा है ये लूप उससे कम चल रहा है तो कितना चल रहा है वो हम देख लेते हैं इनिशियली आई वन वन इज लेस देन थर्टी टू कंडीशन ट्रू प्रिंट फैलू हुआ एग्जीक्यूट हुआ तो क्या हो गया आई इक्वल टू 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 इज लेस देन थर्टी टू कंडीशन ट्रू फिर से प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा देन देन इज लेस एक्जीक्यूट कंडीशन ट्रू एट इज लेस देर्टी टू कंडीशन ट्रू सिक्सटीन इज लेस देन कंडीशन ट्रू इज लेस देन थर्टी टू कंडीशन फॉल्स इसका मतलब वन टू थ्री फोर फाइव टाइम्स ओनली चला ओके ये आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा अगर हम एन की वैल्यू थर्टी टू एज्यूम कर रहे हैं तो अगर इसको केयरफुली देखेंगे तो क्या पैटर्न बन रहा है ये आपको अगर इस तरीके से टू के फॉर्म में लिखेंगे टू पावर जीरो टू पावर वन टू पावर टू टू पावर थ्री वच इज इक्वल्स टू पावर फोर टू पावर फाइव तो इस पर तो क्या हो रहा है आपका स्टॉप कर जा रहा है जैसे ही वैल्यू आई की वैल्यू टू पावर फाइव हो रही टर्मिनेट कर जा रहा है तो यहां अगर देखेंगे तो वन टू थ्री फोर फाइव टाइम्स ओनली चल रहा है तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी जब आपका तो अगर हम इसको एज्यूम कर लें यह आई इक्वल ये क्या चल रहा है टू के फॉर्म में तो टू टू पावर के टाइम्स पे जाके ये स्टॉप हो रहा है जैसे ही आई के वैल्यू टू पावर के हो रही है वहीं जाके टर्मिनेट कर रहा हो तो टू पावर के किसके इक्वल होगा एन के इक्वल जैसे यहाँ क्या था आई के एन के वैल्यू हमने थर्टी टू ली जैसे ही आई के वैल्यू थर्टी टू हुई यहाँ टर्मिनेट कर जाएगा मीन्स इनके बीच में यानी टू पावर के और एन के बीच में रिलेशन क्या आएगा टू टू दावर के विच इज इक्वल टू एन जैसे टू पावर के की वैल्यू एन के इक्वल होगी जैसे थर्टी टू थर्टी टू के इक्वल हुआ बट आई टू के पावर फॉर्म में यानी टू पावर के फॉर्म में जो है इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसलिए यहां इससे जो आपका इक्वेशन मिल रहा है टू पावर के विच इज इक्वल टू एन तो इसमें क्या करेंगे आप दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो यहां से क्या आएगा के विच इज इक्वल टू लॉग इन क्योंकि टू के पावर में बढ़ रहा है तो क्या आ जाएगा लॉग बेस टू ओके तो K के वैल्यू क्या आ जाएगी लॉग इन बेस टू विच इज नथिंग बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी आपकी बिग ऑफ लॉग इन राइट इसको अगर रिवर्स ऑर्डर में रिवर्स ऑर्डर का मतलब डिक्रीमेंट uh, तो आई की इनिशियल वैल्यू क्या है इज ग्रेटर देन इक्वल टू है यहां क्या था मल्टीप्लीकेशन यहाँ क्या आपका डिविजन तो मीन्स अगर सिंपल वर्ड में देखें तो आई की वैल्यू हमने क्या ले ली पहले टू पावर के ले लिया और घटते हुए चले okay. जा रहे हैं मीन्स अगर सपोज दैट एक आपके पास एक कोई रास्ता है आप यहाँ से यहाँ तक गए ओके इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने लगे एक्स और यहीं सेम पॉइंट से अगर वापस यहाँ पहुँचे तो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स लगें एक्स ओनली बोथ आर सेम तो चाहे हम मल्टीप्लाई करते हुए यहाँ तक पहुँचे या यहाँ हमने ये वैल्यू ले ली इसको डिवाइड करते हुए जाएंगे तो नंबर ऑफ स्टेप्स दोनों के सेम ही आएंगे मतलब चाहे आपका मल्टीप्लिकेशन हो तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका लूप क्या होना चाहिए इंक्रीमेंट यानी आई की वैल्यू वन से एन तक पहुँच रहे हैं यहां अगर डिवीजन ऑपरेटर यूज करें तो क्या होगा ये आपका एन से बनता है यानी डिक्रीमेंट करते जा रहे हैं तो इन दोनों पर्टिकुलर पीस ऑफ कोड के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी सेम आएगी सेम का मतलब यहाँ टू यहाँ लेकिन सेम होने के लिए दोनों कॉन्स्टेंट वैल्यू सेम होना चाहिए तो इसका अगर जनरलाइज फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या आ जाएगा अगर कहीं भी आपको इस तरीके से i इक्वल टू वन टू एन है बट इंक्रीमेंटेशन क्या है i इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाई सम लिए इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जहां इंक्रीमेंट हो रही है i की वैल्यू अगर दिया है या इस पर्टिकुलर सिनेरियो को देखें तो क्या है आई इक्वल टू आई डिवाइड बाई समस्टेंट यह के आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू वो वैल्यू आपकी वन सॉरी टू हो सकती है थ्री हो सकती है फोर वन नहीं होगी क्योंकि वन करेंगे तो सेम वैल्यू रिपीट होगी तो बेटर यह कि टू से स्टार्ट करें टू थ्री फोर फाइव कुछ भी होगी तो ये आएगा तो इनका जो जर्नलाइज फॉर्मूला है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो क्या आ जाएगी ऑर्डर ऑफ लॉग एन बेस की तो यहां के आपका टू था तो इसलिए लॉग एन बेस टू आ रहा है अगर यहाँ थ्री होता फॉर एग्जाम्पल तो क्या होता है लॉग इन बेस थ्री फोर होगा तो लॉग इन बेस फोर फाइव एंड्स वन इस तरीके से जो है इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम कैलकुलेट करेंगे या अगर इसको न्यूमेरिकली अगर सॉल्व करें फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एन इक्वल टू क्या ले लिया था थर्टी टू जैसा इनिशियल तो टोटल कितनी बार चल रहा है ये फाइव टाइम्स तो अगर थर्टी टू का हम लॉग कैलकुलेट करेंगे बेस टू पे थर्टी टू का तो क्या होता है थर्टी टू 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 द पावर फाइव टू द पावर फाइव तो क्या हो जाएगा फाइव लॉक टू बेस टू इसकी वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल्स टू वैल्यूगीव तो टोटल नंबर ऑफ वन टू थ्री फोर फाइव फाइम चल रहा है तो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू एन के हमने टू के पावर फॉर्म में ले ली तो इसलिए जो है नंबर ऑफ स्टेप्स जो है एग्जैक्टली exactly फाइव आ रहे हैं बट हो सकता है किसी ने एन की वैल्यू इस तरीके से थर्टी ले ली तो ये टू के पावर फॉर्म में नहीं आ रहा है बट हमने इसके लिए इसको क्या लिखा है एसिमप्रोटिकली तो अगर कहीं आपको एक स्टेप कम या ज्यादा लग रहे हैं बट एसिम्प्टोटिक नोटेशन में क्या है आपका कहीं अगर लॉग एन प्लस वन लिखा है log n माइनस वन लिखा है तो बोथ आर ऑर्डर ऑफ log n तो ये था टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की log n के फॉर्म में किस तरीके से आएगा उसका ये दो सिनेरियो था अब कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे ओके